स्थिति अभी पैदा हुई है तो विपक्ष का ये है कि देश के साथ अगर जरूरत है तो हम सब खड़े रहेंगे। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जहां पर राजद सांसद मीसा भारती पहुंची हुई है और एक बड़ी बात कहती हुई देखी जा रही है। साफ तौर पर कहना है कि अगर देश की बात होती है तो पक्ष हो या विपक्ष, हम सभी एक साथ है। अब देखना होगा अंदर क्या कुछ बातें होती है। अंदर से आने के बाद हम आप सभी से बातों को बताएंगे कि आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। तो सुनिए मीसा भारती क्या कुछ बोल रही है। अभी जाते हैं, देखते हैं क्या है। मतलब बढ़ाना ही चाहिए, देश के जहाँ भी सीमाएं हैं वहाँ पे सुरक्षा तो बढ़ानी चाहिए। बाकी स्थिति की चर्चा अंदर देखते हैं कि सरकार ने बुलाई है ऑल पार्टी मीटिंग, तो उसमें देखते हैं क्या क्या चर्चाएं होती है। बाहर आके आप सबको बताएंगे फिर। क्योंकि पड़ोसी देश है हमारा और चिंता स्वाभाविक है, भारत के लोगों को और सरकार को चिंता करनी चाहिए। मैं वही कह रही हूँ ना कि अभी बैठक में जाते हैं फिर देखते हैं सरकार। खासकर हिंदुओं पर टारगेट किया जा रहा है, मंदिर और गुरुद्वारे देखिए इसी इन्हीं सब बातों को चर्चा आई थी, चर्चा करने के लिए सरकार ने ये बैठक बुलाई है। तो हम लोग अंदर जाते हैं फिर देखते हैं कि क्या क्या निकल के आता है, उसके बाद प्रेस को हम लोग अवगत कराएंगे। देखिए देखिए जो भी स्थिति अभी पैदा हुई है तो विपक्ष का ये है कि देश के साथ अगर जरूरत है तो हम सब खड़े रहेंगे। तो सुना सांसद है मीसा भारती किस प्रकार से बता रही हैं कि हम जब देश का बात होगा तो हम सभी एक साथ हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो उससे कोई मतलब नहीं है, देश हित के लिए हम सभी एक साथ होंगे। बांग्लादेश मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है केंद्र सरकार ने, जहां पर मीसा भारती जो कि राजद की सांसद है वहां पहुंची और बता रही है कि जहां देश की बात होगी वहां हम सभी एक होंगे। तो देखिए अंदर क्या कुछ बातें होती है, वहां से क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप, बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज